नमस्कार दोस्तों, ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 6 मार्च 2018 का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही आतंकवादियों और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा अभियान किस देश में चलाया गया? तो इसका उत्तर है मिस्र। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। आतंकवादियों और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा अभियान मिस्र में चलाया गया। यह अभियान सिनाई प्रायद्वीप, नाइल डेल्टा के कुछ हिस्सों और पश्चिमी रेगिस्तान में गतिविधियां कर रहे सशस्त्र समूहों को बाहर करने के लिए एक योजना का क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल में ही किस देश में पैडमैन फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई? इसका उत्तर है पाकिस्तान। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। पाकिस्तान में पैडमैन फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई। पाकिस्तान के केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने इसके प्रदर्शन को मंजूरी देने से मना कर दिया। पाकिस्तान सेंसर बोर्ड के सदस्यों का यह कहना है कि यह फिल्म पाकिस्तानी परंपराओं और संस्कृति के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में ही किस अभिनेता ने बाल फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका उत्तर है मुकेश खन्ना। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। अभिनेता मुकेश खन्ना ने बाल फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने बच्चों की फिल्मों को सिनेमाघर तक पहुँचाने में समर्थन की कमी और संस्था को पर्याप्त कोष नहीं होने का आरोप लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रशेखर रथ कौन थे? ये एक साहित्यकार थे। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। चंद्रशेखर रथ उड़ीसा भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल में ही इनका निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, वांग प्योंग कौन है? तो ये उत्तर कोरिया के सेना प्रमुख हैं। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। वांग प्योंग उत्तर कोरिया के सेना प्रमुख हैं। हाल में ही इन्हें सेना के प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया गया। वांग को भ्रष्टाचार के चलते पद से बर्खास्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही किस राज्य में संत गुरु रविदास सहायता योजना की शुरुआत की गई? इसका उत्तर हरियाणा। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। हरियाणा में संत गुरु रविदास सहायता योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद छोटे दस्तकार या महिला स्वरोजगार को 25,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। इस ऋण का ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा भरा जाएगा। इस योजना से छोटे हस्तशिल्प कारीगरों को सहायता प्राप्त होगी तथा राज्य में इस दिशा में सार्थक कार्य संभव होगा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 प्रतियोगिता कहां पर खेली गई? तो इसका उत्तर है किर्गिस्तान में खेली गई है। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। एशियाई कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 प्रतियोगिता 4 मार्च को समाप्त हो गई। इस वर्ष यह प्रतियोगिता किर्गिस्तान के बिश्केक में 27 फरवरी से 4 मार्च तक खेली गई। भारत इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 8 पदक जीता। भारत ने टोटल 9वें स्थान पर भारत रहा है।
पहले तीन स्थान पर क्रमशः चीन, ईरान और उज्बेकिस्तान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 प्रतियोगिता में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये नवजोत कौर ने जीता है। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। भारतीय महिला पहलवान नवजोत कौर ने एशियन चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वे स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस चैंपियनशिप के फाइनल में नवजोत ने जापान की मिया इमाई को 9-1 से पराजित किया। भारत के विनेश फोगाट ने चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने की सफलता प्राप्त की है। रियो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। भारत के दो ग्रीको रोमन पहलवान हरप्रीत 82 किलोग्राम वर्ग में और राजेंद्र कुमार 55 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। गत चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है और विनोद कुमार ओम प्रकाश ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, चन दाइक वांग कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। वियतनाम के राष्ट्रपति चन दाइक वांग 2 मार्च से 4 मार्च तक भारत की यात्रा पर थे। कुआंग ने इस भारत यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। वियतनाम के राष्ट्रपति इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मिले। भारत और वियतनाम के बीच 3 समझौते हुए। वियतनाम के राष्ट्रपति कुआंग और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद भारत और वियतनाम के बीच 3 समझौते हुए हैं। पहला समझौता आर्थिक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग को लेकर है। दूसरा समझौता कृषि क्षेत्र के लिए 2018 से 2022 तक दोनों देशों के बीच एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुआ है। और तीसरा समझौता न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत प्रशांत क्षेत्र को व्यापारिक गतिविधियों के लिए मुक्त बनाए जाने और सभी समृद्धि और सहयोग को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण कहाँ कराया गया है? इसका उत्तर है पटना। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में पटना में एक स्तंभ का निर्माण कराने की घोषणा 4 मार्च को करी है। श्री कुमार ने बिहार के विधानसभा सभागार में चंपारण एग्रेरियन बिल 1918 के शतवार्षिक पर आयोजित संगोष्ठी में उद्घाटन के मौके पर ये बात कही है। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह को जितनी अहमियत मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। गांधी जी ने सिर्फ किसानों को 3 कटिया प्रणाली से मुक्ति नहीं दिलाई बल्कि 46 प्रकार के टैक्स से भी छुटकारा दिलवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पश्चिम बंगाल में शिवपुर के भारतीय इंजीनियरिंग साइंस और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST ने 4 मार्च को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। IIST के 4th वार्षिक दीक्षांत समारोह में श्री मुखर्जी को यह सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में पहली बार हिंदू दलित महिला सीनेटर बन गई? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान में। इसके विषय में डिटेल ले लीजिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की कृष्णा कुमारी कोहली देश में निर्वाचित पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर बन गई हैं। थार की रहने वाली कृष्णा 39 वर्षीय बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की कार्यकर्ता हैं। वह सिंध में अल्पसंख्यक सीट पर बतौर सीनेटर चुनी गई हैं। इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने रत्ना भगवान दास चावला को सीनेटर के तौर पर चुना था। तो आइए दोस्तों, देश और दुनिया की अन्य खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया। पहले चरण में केंद्रीय बजट पेश किया गया और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरी खबर, कॉनरेड संगमा को मेघालय में सरकार गठन करने के लिए आमंत्रण दिया गया। नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कॉनरेड संगमा को मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रण दिया है। श्री शर्मा को 34 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तीसरी खबर, ISSF निशानेबाजी विश्व कप इससे संबंधित है। मैक्सिको के ग्वादालजारा में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की मनु भास्कर ने 10 मीटर महिला एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का दूसरा स्वर्ण पदक सहजर रिजवी ने जीता है। भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदकों को के साथ प्रतियोगिता में अब तक कुल 4 पदक जीत लिए हैं। अगली खबर, लंदन के चोगम में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों का सम्मेलन। ब्रिटेन स्थित कॉमनवेल्थ इंटरप्राइज और एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल CWIC के चेयरमैन लॉर्ड जोनाथन मारलैंड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अप्रैल में प्रस्तावित ब्रिटेन यात्रा से यह संकेत मिलता है कि भारत राष्ट्रमंडल संगठन को महत्व प्रदान करता है। श्री मोदी ने लंदन के चोगम में अप्रैल 16 से 20 को आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। तीसरी खबर, कर्नाटक के तुमकुर में युवा सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में युवा सम्मेलन को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से जुड़ते हुए पीएम ने कहा कि भारत को अपनी युवा शक्ति का सशक्तिकरण करने की जरूरत है। अगली खबर, चुनावी कानून बनने के बाद इटली में पहली बार मतदान। इटली में प्रधानमंत्री मटेओ रेंजी के इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 से कार्यवाहक सरकार चल रही है, इसलिए पूर्णकालिक सरकार के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। देश में नए चुनावी कानून बनने के बाद पहली बार मतदान हो रहा है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके सिल्वियो बर्लुस्कोनी की पार्टी और सत्ता में आसीन डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में है। अगली खबर, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड के साथ मैच 1-1 के साथ ड्रॉ हो गया। अगली खबर, रक्षा प्रदर्शन डेफ एक्सपो 2018 का चेन्नई में आयोजन हुआ। रक्षा प्रदर्शन डेफ एक्सपो 2018 का 11 से 14 अप्रैल को चेन्नई में आयोजन होगा। इसमें पहली बार भारत अपने हथियारों व सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन करेगा। डेफ एक्सपो में लगभग 50 देश भाग लेंगे। अगली खबर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार का इस्तीफा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल तथागत राय को सौंपा। उन्होंने अपना इस्तीफा हाल में ही चुनाव में सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को भारतीय जनता पार्टी और इंडिजेनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT गठबंधन के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद दिया।